इमरान खान साहब ने 21 बिलियन डॉलर की सपोर्ट मांग ली है चाइना से, जिसमें तकरीबन 10.735 बिलियन डॉलर की रोल ओवर, यानी कि जो एग्जिस्टिंग लोन्स हमारे पास थे उनके रोल ओवर की रिक्वेस्ट कर दी है, और 10 बिलियन डॉलर एज ए डिपॉजिट फंड जो है वो जमा कराने की चाइना को रिक्वेस्ट की है। तो दोस्तों, इमरान खान ने चाइना से अब दोबारा 21 बिलियन डॉलर की भीख मांग ली है। और दोस्तों, यहाँ पे इससे भी बड़ी मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान ने चाइना से पहले जो कर्ज ले रखे हैं उनके लौटाने का भी अब टाइम आ गया है। और इसी टाइम दोस्तों, इमरान खान ने चाइना के सामने दोबारा इतने बड़े कर्ज के लिए हाथ फैला दिए। और दोस्तों, इमरान खान वो अपने दिमाग को यहीं पे नहीं रोक रहे हैं। एक तरफ तो दोस्तों, इमरान खान चाइना से इतना बड़ा कर्ज मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ दोस्तों, अब इमरान खान ने पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल उसको 25 रुपए तक सस्ता करने का ऐलान कर दिया। और आज के इस वीडियो में दोस्तों, इमरान खान के इस नए कारनामे पर पाकिस्तानी मीडिया ने इमरान खान की जमकर क्लास लगाई है। तो वीडियो दोस्तों बड़ा ही मजेदार होने वाला, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो देखकर किसी भी तरीके से अच्छा लगे या पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। इमरान खान साहब जो है वो अंदर खाते क्या क्या कर रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अभी कुछ पता चला है कि इमरान खान साहब ने 21 बिलियन डॉलर की सपोर्ट मांग ली है चाइना से, जिसमें तकरीबन 10.735 बिलियन डॉलर की रोल ओवर, यानी कि जो एग्जिस्टिंग लोन्स हमारे पास थे उनके रोल ओवर की रिक्वेस्ट कर दी है, और 10 बिलियन डॉलर एज ए डिपॉजिट फंड जो है वो जमा कराने की चाइना को रिक्वेस्ट की है। आप देखिए ये कितना बड़ा पैसा है, बारो बार है ले जा रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, 6 बिलियन डॉलर का IMF का प्रोग्राम था, 3 बिलियन डॉलर हमने GCC से लिए हुए थे, और फिर उसके बाद हमने 3 बिलियन डॉलर जो थे वो हमने सऊदी से लिए हुए थे। अब ये जो 21 बिलियन डॉलर हम मजीद, जिसमें से 11 बिलियन डॉलर जो रोल ओवर हो गया, मजीद 10 बिलियन डॉलर हम मांग रहे हैं किस लिए कि जनाब हमें दें, हमारे जो बैंक हैं वो खाली हो गए हैं, हमारा जो जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो तबाह हो गए हैं। इमरान खान साहब ने रिसेंटली इधर मारी हैं शोखियां और कहा है कि मैं आपको 20-25 रुपए आपको पेट्रोल कम दूंगा। एक तरफ शोखियां मारती हैं हमारी लीडरशिप और कहती है जनाब कि जो है वो कम हो गया है, हमें सस्ता तेल बेचना है, दूसरी तरफ कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं। या तो आप अगर आवाम को देना चाहते हैं रिलीफ, बिल्कुल देना चाहिए, आप इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं, आपका काम है रिलीफ देना, बट दैट डज नॉट मीन कि दुनिया से कर्जे ठग ठग के ले आए और कहें जनाब कि ये हमें जो है वो ये कर्जे दें। अब पाकिस्तान की आपको पता है कि ये 23वां IMF का प्रोग्राम था पाकिस्तान के पास, 23वां IMF का प्रोग्राम था, 230 मिलियन यानी कि 24 करोड़ को हम मुल्क आबादी है, हम हर रोज जो है वो लोन मांग रहे हैं, हर रोज हम लोन मांग रहे हैं, और एक मुल्क से नहीं मांग रहे हैं। अब अगर IMF से हम भागे हैं, क्योंकि मैं पता के क्योंकि अभी रिसेंटली जो इमरान खान साहब ने फैसला किया कि मैं जनाब 10 रुपए पेट्रोल सस्ता दूंगा, अभी सुनने में आ रहा है 15-20 रुपए और कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बेसिकली क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो तो चढ़ाई कर रही है कि ये बेसिकली जो बेसिकली इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जी ऑलरेडी जो चाइना के 4 बिलियन डॉलर के सेफ डिपॉजिट्स और कोई 6.735 बिलियन डॉलर के जो कमर्शियल लोन थे वो उनका मैच्योरिटी का टाइम आ गया है, ठीक है जी, और कोई 2 बिलियन डॉलर की और इनकी मैच्योरिटी 23 मार्च 2020 को हो रही है और उसकी भी रिक्वेस्ट इन्होंने भेज दी हुई है। अब ये है कि ये अब आप ये समझ लें कि ये जो इमरान खान साहब वहां पे गए थे, चाइना गए थे, ये तो लंबी गेम करने गए थे, हम तो 3 बिलियन डॉलर का समझ रहे थे कि 3 बिलियन डॉलर लेने गए हैं। अब यह है कि पाकिस्तान ने जिस तरह मैंने कहा कि 10 बिलियन डॉलर का डिपॉजिट फंड मांग लिया और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 15 बिलियन डॉलर की करेंसी स्वैप अरेंजमेंट भी जो है वो चाइना के साथ कर रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखें कि जो IMF है उसके साथ भी हमारी मामलात जो है वो इतने बेहतर नहीं है और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह इमरान खान साहब सब्सिडीज दे रहे हैं, सब्सिडी पर सब्सिडी दे रहे हैं, ये मामलात जो है वो ठीक होंगे। और दूसरा आपको ये पता है कि जो चाइनीज हैं वो एक चीज पसंद करते हैं, सिक्रेसी।
चाइनीज ये पसंद करते हैं कि जो भी करना है अंदर खाते साड़ना बह के कर लो, बाहर आके कुछ बात आप नहीं करेंगे। और सारी हुकूमतें पाकिस्तान की इस बात पे एग्री करती हैं, और मजे की बात है इतनी सियानी हुकूमतें हैं हमारी कि अंदर जो तय करती हैं बाहर आके बताती नहीं है, और फिर जो अपोजिशन में भी चले जाए तब भी नहीं बताती, क्योंकि उनको पता है हमने हुकूमत में आना होता है। अब वो ये देखें लॉन्ग टर्म खिलाड़ी हैं सारे, वो चाइनीज भी लॉन्ग टर्म खिलाड़ी हैं, इमरान खान साहब भी अब सियाने हो गए। इमरान खान साहब ने आते पहले तो सीपैक बंद करवाया ना एक दफा, और कहा मैं देखना वहां के चाइनीज किस तरह हमारी सॉवरेनिटी पे, हमको गुलाम है चीन के। अच्छा ये मजे की बात है, इमरान खान साहब ये बड़ी जल्दी नारा मार लेते हैं हम कोई गुलाम है तुम्हारे यूरोप के। अच्छा चीनी क्या करते हैं, वही गुलामी अंदर बंद कमरे में करवाते हैं और कहते हैं बाहर जाके बताना भी नहीं है, तो हम कहते हैं ठीक है सर कोई बात नहीं है। अरबी भी इसी तरह करते हैं, वो टीवी पे आके कोई बात नहीं करते और ना ही वो कुछ स्टेटमेंट जारी करते हैं। यूरोपियंस का और अमेरिकन का ये है कि ये जरा ज्यादातर बातें बाहर करते हैं, अंदर भी बहुत कुछ करते होंगे जाहिर बात है, लेकिन वो कहते हैं यार ठीक है ऐ खाता सही है कि चीनी और अरबी जो है वो हमारे साथ अंदर में यस करा लेते हैं और हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोलते और हम उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। तो कभी हम नहीं कहेंगे हमारी सॉवरेनिटी हमारी इंटेग्रिटी खा गए सऊदीज, हम चीनियों ने हमारी सॉवरेनिटी को तबाह करके रख दिया। हम सिर्फ एक ही कहेंगे ओ अमेरिका ओ चाइना ओ यूरोप ओ तुम हमारी सॉवरेनिटी खा गए हो, आप लोगों को हम आपके को गुलाम है। सो द पॉइंट हियर इज कि ये जो पाकिस्तानी जो एम्बेसडर हैं चीन में उनको कहा गया कि यार ये जो चीजें हैं ये करो, और ये हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे जो एक्सटर्नल लोन्स हैं आपको पता है दोस्तों वो भी दड़ा दड़ बढ़ी जा रहे हैं। अब आप मजे की बात यह है कि हमारी हुकूमतें पता तो लगने नहीं देती। अब ये इतना तो मुझे पता है मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो टोटल बजट है जो लोन है वो तकरीबन जीडीपी के वो 83-84% के करीब चला गया हुआ है। कई दोस्त कहते हैं जी 50 ट्रिलियन कर्जा हो गया, कोई कहता है जी 40 ट्रिलियन कर्जा हो गया, कोई कुछ कह रहा है डिफरेंट इस हवाले से जो है वो स्टैटिस्टिक्स आती हैं। और लेकिन सिर्फ यही है कि जिसे कहते हैं ना कि एक शर्मिंदगी की बात ये है कि अभी जो इमरान खान साहब के टेन्योर में तकरीबन तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 1,30,000 मिलियन US डॉलर हमने कर्जा ले लिया हुआ है। इतना कर्जा हमने एक्सटर्नल पाकिस्तान का जो डेट है वो हमारे ऊपर है 1,30,000 मिलियन US डॉलर। ये तो पता नहीं कितने को अमाउंट आप मल्टीप्लाई कर लें, मेरा मुझे इतना साफ नहीं आता कि कितना को पाकिस्तान ने। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया होगा कि इमरान खान ने अब चाइना से दोबारा 21 बिलियन डॉलर का कर्ज मांग लिया, और इसके ऊपर दोस्तों सोने में सुहागा है कि जो पाकिस्तान ने पहले जो चाइना से कर्ज ले रखा उसका भी अब टाइम पूरा हो गया, वो भी अब पाकिस्तान को वापस लौटाने होंगे। और उसी टाइम दोस्तों इमरान खान और चाइना से इतना बड़ा कर्ज मांग रहे हैं, और अब इमरान खान के दोस्तों इसी कारनामे को देखकर पाकिस्तानी मीडिया को दोस्तों इस चीज का डर सता रहा कि अब की बार पाकिस्तान है वो चाइना के सामने अपना क्या गिरवी रखने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों इस चीज को तो आप जानते हो कि पाकिस्तान वो पहले ही चाइना के सामने अपना सब कुछ गिरवी रख चुका है, और अब दोस्तों पाकिस्तान अब तक का चाइना से सबसे बड़ा कर्ज मांगने जा रहा है। और इसी चीज को देखकर दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों इमरान खान वो अपने कारनामों को यहीं पे नहीं रोक रहे हैं। एक तरफ तो दोस्तों इमरान खान वो चाइना से इतना बड़ा कर्ज मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ दोस्तों इमरान खान ने पाकिस्तान में जो पेट्रोल डीजल है उसकी प्राइस को 25 रुपए तक कम करने का फैसला करने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपको ये न्यूज तो मिली गई होगी कि पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान की जितनी भी विपक्षी पार्टियां वो सब एक साथ मिल गई हैं, और वो सारी एक साथ होकर इमरान खान है उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट ला रही हैं। और अब अंदर से दोस्तों ऐसी सूचनाएं निकल कर आ रही हैं कि इस नो कॉन्फिडेंस वोट के कारण दोस्तों इमरान खान की कुर्सी है उसका जाना 100% तय हो गया, और अगली बार दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए और पाकिस्तान की जनता के सामने अच्छा बनने की कोशिश में दोस्तों इमरान खान ये पेट्रोल डीजल की प्राइस को इतना कम करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े कर्ज ले रहे हैं। और अब तक दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर लगभग 1,30,000 मिलियन डॉलर का कर्ज हो चुका है, पर फिर भी इमरान खान वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। और अगर दोस्तों पाकिस्तान ऐसे ही कर्ज लेता रहा और पाकिस्तान के ऊपर आगे भविष्य में ऐसे ही कर्ज बढ़ते रहे, क्योंकि इस चीज को तो दोस्तों आप जानते हो कि पाकिस्तान की इस टाइम ये कंडीशन हो चुकी है कि पाकिस्तान को जो कर्ज लेता पाकिस्तान ने पहले जो कर्ज ले रखे हैं उनके ब्याज को चुकाने के लिए पाकिस्तान को इतने बड़े बड़े कर्ज लेने पड़ रहे हैं। सिर्फ अभी इमरान खान ये जो कर्ज ले रहे हैं उनसे
जो पुराने कर्ज हैं उनका ब्याज ही चुकाया जा रहा है। और इसी चीज को देखकर दोस्तों आज के इस वीडियो में कमर चीमा उन्होंने इमरान खान की जमकर क्लास लगाई थी। तो आई होप दोस्तों आपने वीडियो को देखकर इसे एंजॉय जरूर किया होगा। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो देखकर ये आज किसी भी तरीके से अच्छा लगा था, पसंद आया था, तो प्लीज दोस्तों जाते जाते वीडियो को एक लाइक से दे देना। और अगर आप आज इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये बिल्कुल फ्री होता है। चैनल को सब्सक्राइब करने का आपके एक भी पैसा नहीं लगेगा। तो प्लीज दोस्तों अगर आप आज इस चैनल पर पहली बार आए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करो तो जो सब्सक्राइब का बटन है उसके पास आपको एक घंटी यानी बेल का आइकन देखने को मिलेगा, और जिसके बारे में मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, उसे याद करके प्रेस कर देना। उसको प्रेस करने से ये चीज 100% कन्फर्म हो जाती है कि अगली बार जब भी हमारे चैनल से कोई नया वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब आप लोगों के पास नोटिफिकेशन तुरंत भेज देगा। क्योंकि इस चीज को तो दोस्तों आप भी जानते हो कि यूट्यूब बहुत बार वीडियो होते हैं उनके नोटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं भेजता। तो प्लीज दोस्तों बेल आइकन को याद करके प्रेस कर लेना।